देव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीन लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी के नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व यानी ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजा पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।